Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And aaj ki video mein regarding aapke liye September month kaisa rahega, kya aapke liye messages aa rahe for each and every zodiac sign. Janenge hum tarot cards ki madad se related to your love life, career life, health life, kya messages aa rahe aapke liye for this month, kya theme rahegi for each and every zodiac sign hum janenge. साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक फॉर ऑल द डेली अपडेट्स. सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर न्यू ऑफर्स, क्रिस्टल्स के बारे में जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं. ऑल्सो मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ जोडियक साइंस के ऊपर, वास्तु टिप्स के ऊपर, तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आपको मिल जाए. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर द सितंबर मंथ आपके लिए. विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फॉर दिस मंथ. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो लिब्रा, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपके लिए अगर मैं सारे कार्ड्स अगर देखूँ, एनर्जी देखूँ फॉर सितंबर मंथ के लिए, सबसे पहली चीज सितंबर मंथ में आपके काम के रिलेटेड एक स्टेबल ग्रोथ बनी रहेगी. लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आते रहेंगे कि आप अपना काम बदलना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो आप ग्रोथ डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं रही है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर. तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे मेजर इम्पैक्ट दिखता है आपके करियर में. एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, लेकिन कोई भी जल्दबाजी में अपने फैसले नहीं लेने, बिकॉज ये दो जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ये कार्ड है इंट्यूशन का एंड ये कार्ड है पेशेंस का. लेकिन ये जो दो कार्ड है जब भी इनके कॉम्बिनेशन आते हैं सो ये कार्ड्स कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है. सो देखिए दोनों की आईज बंद है. दिस इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि वो सोच समझ कर क्या दिल से चाहते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे. तो कोई भी चीज़ अपने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं. मेजर इम्पॉर्टेंट शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो ज़रूर एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट शिफ्ट होगा. इसीलिए जल्दबाजी में बस यूं ही सोचा और कर लिया ऐसे फैसले मत लीजिएगा, बिकॉज़ ये जहाँ से जो भी आपका डिसीजन होगा सितंबर मंथ में, जो भी चेंजेस आपके करियर लाइफ में आएंगे बहुत बड़े चेंजेस होंगे. पढ़ाई में, एजुकेशन में फोकस ज़बरदस्त आपको फोर्स लगा के लगाना पड़ेगा, नहीं तो ईजिली आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है. फाइनेंसेस थोड़े बहुत स्लो रहेंगे, जैसे न्यूट्रल चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे. कुछ खास बहुत ही बिग चेंजेस मुझे फाइनेंसेस में अपग्रेड आता हुआ नहीं दिख रहा है. बात कर लूँ मैं लव लाइफ की, लव लाइफ या पर्सनल ज़िंदगी के सेक्टर में भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे फर्टिलिटी के कार्ड हैं जो कि शुक्र देव के कार्ड माने जाते हैं. तो लव लाइफ में कनेक्शन, लव रोमांस अच्छा खासा बना रहेगा, नो नीड टू वरी. यहाँ पर भी 6 नंबर के कार्ड आए हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस. देखो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी तो कम्युनिकेशन हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर और अच्छा हो जाएगा. लव लाइफ को रिलेटेड या आपके पर्सनल इमोशनल स्टेटस को लेकर कार्ड्स अच्छे हैं. शुभ है, नो नीड टू वरी. फर्म फाउंडेशन, अच्छी स्टेबिलिटी भी बन जाएगी रिलेशनशिप में, नो नीड टू वरी. थोड़े से अपने अगर कोई ईगो क्लैशेज हो रहे हो आप दोनों के बीच में, कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत हो तो कर लीजिएगा, बिकॉज रिलेशनशिप में शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग बनते हुए दिख रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए. सो कहीं ना कहीं ये योग बहुत अच्छे आपके लिए बन गए हैं. सो लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है. जो मेन चीज़ है कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका ध्यान देने का क्षेत्र बना हुआ है वो है आपका करियर एंगल, काम का एंगल. तो यहाँ पर आपने अपना, आप कहते हैं ना कि जितना आप जो स्थिति में हो उसमें 100% आप अपना काम करते रहो, उसके बाद आगे धीरे धीरे आप उसको जो चेंजेस लाने हैं वो ला सकते हैं. कुछ जॉब न्यू मिलती हुई नहीं दिखेगी सितंबर मंथ में, नए जॉब मिलने के योग नहीं है. जॉब चेंज ऑफकोर्स सोच विचार करके बदल सकते हैं. बिजनेस में न्यूट्रल ग्रोथ रहेगी, ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हेल्थ रिलेटेड भी सब कुछ बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा काम रिलेटेड, अदरवाइज एवरीथिंग इज स्टिल अंडर कंट्रोल. यहाँ पर मैं अगर बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले द होपफुल के कार्ड्स. कार्ड्स आपको कह रहे दैट बी होपफुल. एक और चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पर भी ये इतने बीज डाला हुआ है और अभी उसके फल देने का इंतज़ार कर रहा है, पेड़ के बड़े होने का. यहाँ पर भी इसने बीज डाला हुआ है और ये उसके ग्रो करने का वेट कर रहा है. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जीवन में हम ऑफकोर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतने साल कोई प्रोफेशन को दिया, हम इतने सालों से किसी क्षेत्र में, अब हम चाहते हुए हमें उसमें सक्सेस मिले. लेकिन क्या करें, जीवन में हर चीज़ का अपना समय है,
यूनिवर्स अपनी टेस्टिंग रखता है, अपना टाइम लेता है, हमारे स्किल्स डेवलप होने में टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कर्म कर रहे हैं, आप फल देना यूनिवर्स और भगवान का काम है और इसमें आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए पेशेंस के कार्ड हैं और कार्ड्स कह रहे हैं बी होपफुल, जो आप मेहनत करो आपके उसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन देरी से मिलेंगे या जो एक डिवाइन टाइमिंग है उस हिसाब से मिलेंगे। तो बी होपफुल, बट नेगेटिव कार्ड नहीं है, बी होपफुल रहने कह रहे। लिव इन बैलेंस, ये भी काफ़ी सिमिलर कार्ड है टैरो कार्ड्स में इस एनर्जी से, बिकॉज ये भी पेशेंस और बैलेंस का कार्ड ही माना जाता है ओरिजिनल टैरो में। ये डेक डिफरेंट है तो नाम अलग है। 14 नंबर का कार्ड का नाम बैलेंस ही मोस्टली कहा जाता है या टेम्परेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं बैलेंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो आपकी लव लाइफ वर्सेस करियर को बैलेंस रखिएगा, मेंटल बैलेंस वर्सेस इमोशनल बैलेंस रखिएगा, जैसा भी चल रहा है सब कुछ मैनेज और बैलेंस करके आपने सितंबर मंथ में चलना है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पर भी अगर मैं देख लूँ, डाउट अपीयरेंसेस एज दे कैन बी मिसलीडिंग। डाउट आपके मन में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ को लेकर आ रहा है, आपके काम को लेकर है, आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या नहीं। जीवन में कोई भी चीज़ों को लेकर आपको डाउट आ सकता है, बट गिव योर बेस्ट। अगर कोई चीज़ में डाउट है, जो भी आप एनालिसिस करोगे जीवन में, उसमें ओवर डाउट नहीं करना है, स्पेशली कोई रिलेशनशिप्स में नहीं। कई बार हम गलत डाउट भी कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वही चीज़ है कि आपके मन में इंट्यूशन में कोई सवाल उठेंगे, कोई बातें आएंगी, बट उनमें बस आ गया और आपने बात बिगाड़ दी अपनी, चाहे आपका काम और रिलेशनशिप हो। ये सजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए लिब्रास, तो ये ध्यान देना है। कई बार आपको चीज़ बहुत गलत लगती है, बट बाद में पता चलता भी हमारा ही इंटरप्रिटेशन इसको लेके गलत था। तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा देखिए, इस मंथ में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ आपके लिए वो है आपकी लव लाइफ, आपका पर्सनल खुशी, आपकी पर्सनल हेल्थ, वो सब बढ़िया रहेगी। सिर्फ करियर एंगल थोड़ा सा जैसा था वैसा ही चलेगा या न्यूट्रल एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सो ये ऑल ओवर आपकी मुझे वाइब दिख रही है लिब्रास फॉर दिस अपकमिंग मंथ। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।